नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत कर रहा हूं सभी का। और देखिए, आज थोड़ा सा जो न्यूज है लेट आ रही है। मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो एक दो दिन थोड़ा सा व्यस्तता है, बस हो गया है ना, बाकी ठीक हो जाएगा। आज और कल परसों 3 दिन की व्यस्तता है, बस हो गया, बाकी ठीक हो जाएगा। एक चीज़ बता रहा हूँ, पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट, आप बोल रहे हो कि सर आप हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे हो, मैं आपको बता दूँ जितना आपका मुद्दा मैं उठा रहा हूँ ना, उतना कोई नहीं उठा रहा है। आपकी जाँच के लिए चली गई ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं और DGT इस पर ध्यान दे रहा है। अगर आप मेरी 23 तारीख की मतलब मैंने अगस्त की रिजल्ट निकलने के पहले अगर आप 23 तारीख का देखेंगे और 26 तारीख का, तो मैंने डेट बढ़वाई थी उनका कि जिनका नंबर जो है तो नहीं चढ़ा है। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिसमें 13,250 लड़कों का डेटा था जिनका 00 आ रहा था, और इसको DGT ने डेट दिया था कि 31 तारीख तक भैया आप लोग इसको कर लीजिए। उस समय पर ITI वाले मेरा मजाक उड़ाए, स्टूडेंट आप लोग तो उड़ाएगी है ना, दूसरे का चैनल देख देख करके आप लोगों ने। और मैं कह रहा था उसमें, आप देख लीजिएगा, मैं कह रहा था कि सब लड़के पछताएंगे, इसमें सारे लड़के पछताएंगे। आप हमारा एक काम करिएगा कि 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के सारे वीडियो उठा करके देख लीजिएगा रिजल्ट आने के पहले, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मैंने बोला था और ये डेटा मेरे पास पहुँच गया था। DGT भी इस पर चिंता कर रहे थे। इसके बाद आपका अटेंडेंस एब्सेंट लिख दिया गया, आपको पैसे ना देने के कारण एब्सेंट हो गए या आपको फेल कर दिया गया। एक चीज बता दूं, जब मैं DGT से बार बार बात कर रहा हूं ना, इस पर बात कर रहा हूं, तो एक चीज निकल करके आ रही है, DGT पल्ला अपना ऐसे झाड़ लेती है। अब देखिए, DGT का कहना क्या है कि CBT एग्जाम कराते, CBT में जो दिक्कतें हैं मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, उसको क्लियर कर रहा हूं, मैं ग्रीवांसेस है, प्रैक्टिकल स्टेट का मामला होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम हम नहीं करवाते हैं, प्रैक्टिकल स्टेट का है, नोडल का है, ITI का है, वो लोग जो नंबर हमको देते हैं उसी नंबर को हम चढ़ाते हैं, इसमें हमारी क्या गलती। बात सही है, उनकी गलती क्या है, लेकिन स्टेट की मनमानी को रोकने की भी तो जवाबदारी DGT की है, उसको तो DGT को रोकना पड़ेगा ना। अगर ऐसा होता रहा तो भविष्य में फिर लड़के काहे के लिए करेंगे, थ्योरी में लड़का पास हो जाता है, प्रैक्टिकल में फेल हो रहा है, जिसमें फेल होना चाहिए उसमें पास हो रहा है, और जिसमें पास होना चाहिए तो उसमें फेल हो रहा है, तो लड़कों का डर तो ये बना रहेगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर DGT से हमारी लगातार बात हो रही है, और हो सकता है कि मेरे को आज शाम को या कल हम एक बार फिर न्यूज प्रैक्टिकल का दिखाएंगे। अगर सर मान गए तो मैं 2 लोगों का मेल एड्रेस दूंगा, और आप याद रखिए कि ये लास्ट मेल एड्रेस मैं आप लोगों को दूंगा, सिर्फ प्रैक्टिकल वालों के लिए रहेगा, और वो ध्यान दे, उनको मेल करना है कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बैठ करके कोई चीज नहीं होगी, या हार जाओ या जीतने के लिए तैयार रहो, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर ना तो मेरे चैनल देखने की जरूरत है, ना मेरे को फोन करने की, ना मेरे को मैसेज करने की। जो बाकी जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि सबका हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिकाना, जो भी जैसे बता रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा। तबीयत खराब हो जाने के बाद भी आज मेरे को ये चश्मा नहीं लगाना था, काला वाला चश्मा लगाना था, लेकिन मैं फिर भी आया, चूंकि वो कैमरे की लाइट चकाचौंध, फिर कंप्यूटर पे मेरे को दिक्कत करेगी, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ यही बना रहा हूँ कि आप लोग तैयार रहिएगा कल मेल करने के लिए।